Hi, myself Pinyan Naqsq. I'm from Jammu Kashmir State. मैं नॉर्थ साइड से कंगन तहसील से बिलोंग कर रहा हूँ. 2017 में मैंने एप्पल फार्मिंग में काम शुरू किया. तो मैं M9 रूट पे काम कर रहा हूँ. M9 इतना डीप रोटेड नहीं होता है जैसे सीडलिंग होता है जिसको आप कन्वेंशनल फार्मिंग कहते हैं. ठीक है, उसमें जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहता है जी वो 18 फीट रहता है हमारे कश्मीर में. और ये जो है ये रो टू रो 10 फीट है और प्लांट टू प्लांट हम 3 फीट पे इसको प्लांटेशन करते हैं. और ये डीप रूटेड नहीं होता है इसलिए इसको टाइमली ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. और सारा ड्रिप का काम जो है वो जैन इरिगेशन के थ्रू हुआ है. और सिस्टम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है. और टू प्रोड्यूस क्वालिटी फ्रूट हमें वेंचरी के थ्रू उसको टाइमली सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ रहा है. तो वो भी हम कर रहे हैं. और अब मल्टीपल क्रॉप पे भी काम कर रहे हैं जैसे चेरी हो गया. और ये फर्क मेरा जो एलिवेशन है यहाँ पे वो 6800 है सी लेवल पे. और उसके बाद सबसे मुश्किल होता है जी गाला जो वैरायटी हम ये आप पीछे देख भी रहे होंगे यहाँ, इसमें साइज अटेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे ड्रिप में इस तरीके से करके तो खाद वगैरह का जो भी निर्माण होता है वो हम थ्रू ड्रिप दे रहे हैं. और उसके बाद 2017 में हमने जैन इरिगेशन से सबसे पहला सिस्टम जो कि उनके खुद कंपनी ने डिज़ाइन किया था और वो लगवाया था. उसके बाद 18-19 के बाद हमारा प्रोडक्शन काफ़ी हाई चला गया है. माशाल्लाह से इस वक्त इस साल हमारा अराउंड अबाउट कोई 4000 ट्रेड यहाँ से निकलेगा. जैन इरिगेशन के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के से कंपनी ने हमको कोविड के दौरान, क्योंकि यहाँ हमारे क्लाइमेट में और सर्दियाँ होने की वजह से हमको सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और कंपनी ने जिस तरीके से हमें कोविड में सपोर्ट किया है तो वो भी अमेजिंग चीज़ है.